चलनियों बाजस, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। दो आईएस, तीन आईएस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत क्लियर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंगला कंपनी को टेंडर बिहार सरकार ने दी तब वो महाचोर बीजेपी के लिए हो गया, जब आप गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम इसको दिया ब्लैक लिस्टेड के बाद, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अभी विक्रमशिला में टेंडर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा सिंगला कंपनी को। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने एनएचआई के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? 2017 सालों से पीडब्ल्यूडी में मंत्री कौन थे? नंद किशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, एक साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पुल सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे, उस वक्त भी इसके ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएस है जो बचा रहा है? मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उस पर 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और मेरा चैलेंज के साथ है, बीजेपी का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? एक तो बाबा सब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था, मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। एक ही जिला में 24, मैं वहां आऊंगा अभी, लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की कुकृत हरकत कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे खाए पदाधिकारी के बाद, हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। तेजस्वी जी, आज ना कल कभी भी हमारी हिस्सेदारी किसी सरकार में होगी तो बिहार के सारे पुल की जांच और पुल निगम की जांच मैं कराऊंगा, पैसे भी ओस लेंगे, लोग जेल भी जाएंगे। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी दूध के धूले हैं कि सिग्नेचर पुल दे दिए, बीजेपी वाले नीतीश कुमार खाली क्यों करते हैं? सिंगला का नाम क्यों नहीं लेते? मेरा यह सवाल है। चलनी बाजस, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? सीनियर बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ कुछ ऐसे लोग, मैं नाम उसका अभी नहीं लूंगा, 5 ऐसे पत्रकार का नाम है जो इसमें इन्वॉल्व, 2 आईएस, 3 आईएस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत क्लियर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंगला कंपनी को टेंडर बिहार सरकार ने दी तब वो महाचोर बीजेपी के लिए हो गया, जब आप गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम इसको दिया ब्लैक लिस्टेड के बाद, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अभी विक्रमशिला में टेंडर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा सिंगला कंपनी को। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने एनएचआई के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? अवार्डेड है ये कंपनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहां पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? इस्तीफा होगा तो फिर एनएचआई का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार आप 2017 सालों से पीडब्ल्यूडी में मंत्री कौन थे? नंद किशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, एक साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पुल सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है, ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे, उस वक्त भी इसके ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएस है जो बचा रहा है? किस आईएस के खाते में या द्वारा, खाते में नहीं, दूसरे जगह जाकर के विदेशों में अन जगह 100 करोड़ रुपया मिला, जिसको न भारत टाइम्स मणिकांत ठाकुर ने कोट किया है, बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी कोट किया है। मेरे पास दोनों के लिस्ट है, ये है मेरे पास लिस्ट, दोनों ने लिखा है, जिसको मैंने निकाल के आपके, ये मेरा कोट नहीं है,
6 साल के बाद कुंभकर्ण के तरह विधायक की नींद टूटी। मेरा सवाल यह है, इसमें कहीं से भी 7-9 महीना पहले बनी हुई सरकार, मैं मानता हूं उनको तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इसमें नई सरकार कहां से आ गई, यह भी मेरा सवाल है। और मैं यह भी मानता हूं कि क्वेश्चन के बाद अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यह कि मैंने शोकॉज नोटिस भेजा है, शोकॉज नोटिस का मतलब क्या था, कितना माल आएगा? इसके पहले जो शोकॉज नोटिस भेजे हैं पदाधिकारी लोग, मेरा वहां सवाल खड़ा है, कहां से ये बालू मिट्टी वाले आए, कहां से एम्स आज तो है नहीं, ये 10 नंबर पाया गिरने से ये पुल तो टूटी नहीं है। आप पुल का कोई भी प्लेट उठाएंगे तो मट्टी सीमेंट नहीं, कोई मौत का सौदागर है सिंगरा कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उसपे 8 स्टेट ने ब्लैकलिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और मेरा चैलेंज के साथ है, बीजेपी का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या कारण है वो नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? सिंगला कंपनी की जांच की हिम्मत है तो वो सीबीआई से कराए, है हिम्मत तो वर्तमान न्यायाधीश से कराए। मैं स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाहता हूं, निगरानी विभाग इसमें लगे। 12 आदमी सिंगला कंपनी के चलते वहां मरे हैं, कल जो मरे वहां पर पप्पू यादव को लाश दिख रहा था, हमारे आने के पहले सब सामान उठा के लेके चला गया, लाश नहीं निकाला, एक पदाधिकारी नहीं गए, एसडीओ को फोन करना पड़ा, 20,000 रुपया पप्पू यादव को 4 बच्चे को देना पड़ा, एक लाश मात्र देखिए जो 48 घंटे से भूख हड़ताल पर वहां बैठा हुआ था, एक पदाधिकारी 48 घंटे के अंदर नहीं गया पप्पू यादव के अलावे। और जो विपक्ष का नेता चोर बाजे था बाजे चम्मच भी बाजे, चोर बजाए शोर, हम नाम कहे कर लेंगे चुरकुट सबका, एक तो बाबा सब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था, मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रेन हादसा का पता था उसको, मरने दिया गया। एक ही जिला में 24, मैं वहां आऊंगा अभी, लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की कुकृत हरकत कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे खाए पदाधिकारी के बाद, हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं, तेजस्वी जी आप हिम्मत दिखाइए और जांच करिए इन सब का। सिंगला कंपनी आज जो रुटकी के द्वारा जांच की बात आ रही है, तब क्यों नहीं हुई? और 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? पहली बार पुल टूटी तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? पटना में 3 लोग मरे तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और जितनी बाहर की कंपनियां आई है यहां, पुल निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री है, हम उसकी भी जांच चाहेंगे। जो लोग पुल निगम में दुधारू गाय था पुल निगम, और जितनी बड़ी कंपनी आई है, मैं उसके क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच की मांग करता हूं। और जो सिंगला कंपनी है, सबसे पहले उससे 1700 करोड़ रुपया वसूला जाए। 600 करोड़ से 2700 करोड़ किन कारणों से टेंडर बढ़ाया गया? डेट बढ़ाने का कारण सिर्फ था टेंडर को बढ़ाना और उसमें पैसे की हिस्सेदारी, इसीलिए डेट बढ़ाया जाता है। बिहार में जितने पुल निगम और पुल बने हैं, वह समय पर नहीं क्यों बना? आज तक जो 300-400 करोड़ का टेंडर हुआ वो चला गया 2000 करोड़, 2200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़। 5 साल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो 10 साल में बना, 20 साल में बना। इतने दिनों के बाद वहां जितने लोग मरे सबका लिस्ट है मेरे पास, किसी को मुआवजा नहीं मिली। पूरा बिहार जानता है कि कौन है ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो 100-100 करोड़ रुपया खाया है। विधायक ने नाम लिया है कि उसको जांच क्यों दिया गया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऑथेंसिटी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये लेख और विधायक पूरा नाम लेना कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। मेरा डिमांड है कि सिंगला कंपनी पर 302 का मुकदमा, उसकी सारी मोबाइल का कंप्लीट रूप से, कौन कौन मंत्री पदाधिकारी कितनी बार बात किया है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर
उसके ड्रीम मैनेजर और मालिक से, क्यों इतने बार बातचीत किया गया, उसका पूरा का पूरा लिस्ट निकाला जाए, कॉल डिटेल, और उस आधार पर जांच हो। सिंगला कंपनी ने किस किस को पैसा दिया उसकी जांच हो, निगरानी के द्वारा सिंगला कंपनी का की वसूली हो, और अब सिंगला कंपनी को बिहार में कोई काम नहीं मिलना चाहिए। यदि बिना किसी, यही मैं बार बार कह रहा हूं, और मुझे आश्चर्य हुआ इस मामले में कौन सा अफसर है जो सबसे बड़ी बात है कि 55 करोड़ रुपया गंगा में बह चुकने के बाद 14 महीने में दो बार गिरने वाली स्थानीय लोग सीधे एक बड़े पदाधिकारी पर यह सवाल उठा रहे थे। बहुत क्लियर है हम इस मामले में, मैंने पहले भी आपको कह दिया है, और इसका जो सीधा सवाल है, 9 साल के बाद भी पुल का नहीं बनना और दो दो बार गिर जाना, क्या ये भ्रष्टाचार को 2700 करोड़ तक लाना और लगातार कई बार पुल गिरने के बाद सिंगला कंपनी को जिंदा रखना, पटना में कई काम, ये गंगा पर काम, क्या ये कोई ना कोई बड़ा पदाधिकारी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, और उसके पीछे कौन लोग हैं, यह मेरा सीधा सवाल है। और जब ये टेंडर के लिए इजिबल नहीं था और टेंडर में इसने डाला ही नहीं था, इसको बाहर से लाके टेंडर कैसे दिया गया, ये अंतिम सवाल। यह टेंडर डाला ही नहीं, बाहर से लाके टेंडर दिया गया, और अभी तक इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, तो क्या पैसे वसूले जाएंगे, क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी के साथ निगरानी विभाग और हाईकोर्ट के वर्तमान जज से के मॉनिटरिंग में इसकी जांच होगी। चलिए सीबीआई से हो या ना हो, यह मेरा सवाल है। दूसरा सवाल बहुत साफ है, रेलवे हादसा, 54 लोग, हाँ बोलिए सवाल ले लो। इससे सवाल, पुल का फ्रेम टेढ़ा था तो उन्होंने कैसे दोबारा निर्माण होने दिया? सर सबसे बड़ी बात है कि 6 साल के बाद संजीव कुमार की कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटी? नहीं, पहले भी उन्होंने सदन में 6 साल के बाद, नो, डेट है मेरे पास, 6 साल के बाद, 6 साल कहां थे वो, और 6 साल के बाद वो सवाल उठा तो फिर 3 साल बीच में गायब क्यों हो? एक दूसरा बात, जब वो सरकार में है तो अमृत प्रत्यय की बात, क्या मुख्यमंत्री जी से उन्होंने चिट्ठी लिखी पहले, क्या मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बात कही? सरकार का एक विधायक यदि ये सवाल खड़ा करता है, गंभीर विषय है, और निश्चित रूप से कई मणिकांत ठाकुर जी से न भारत से लेके कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, और विधायक जी ने ये सवाल खड़ा दे रहा है, दुरुस्त आए, यदि उन सरकार के विधायक ने किया है तो उनको जांच नहीं मिलना चाहिए और इंक्वायरी की आवश्यकता है। सवाल ये भी है कि पिछले 13 साल से प्रत्यय अमृत को एक ही डिपार्टमेंट दिया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्या कुछ नवरत्न लोग जो यहां हैं, बाढ़ में जिसने डुबाया उसको अवार्ड मिल गई। मेरा पहले ही है कि सिंगला कंपनी को NHAI ने अवार्ड कैसे दिया, सिंगला कंपनी को नरेंद्र मोदी जी के सबसे महत्वपूर्ण पुल गुजरात में सिग्नेचर पुल का उनको ठेका कैसे मिला, विक्रमशिला कैसे मिला, और उसी तरीके से एक ही विभाग में निश्चित रूप से यह सवाल खड़ा होता है। आज न कल कभी भी हमारी हिस्सेदारी किसी सरकार में होगी तो बिहार के सारे पुल की जांच और पुल निगम की जांच मैं कराऊंगा, पैसे भी उछलेंगे, लोग जेल भी जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यही वो लोग हैं जिनका नाम आप बार बार आज ले रहे हैं, पप्पू यादव को कोरोना के समय जेल भेजवाने में इन लोगों की प्रमुख भूमिका थी, नीतीश कुमार जी को कन्वे करने में ये भी था। सर मैं कह रहा हूं कि हर उस पदाधिकारी पर जो लंबे समय से है, जिसकी जांच की प्रक्रिया हुई, सो कॉल्ड नोटिस के बाद ब्लैकलिस्टेड नहीं हुआ, जांच नहीं आई, ये गंभीर विषय है कि क्या इसमें तालमेल और घालमेल है या नहीं, और सिंगला के साथ भागीदारी और साझेदारी सबकी है या नहीं, जांच होनी ही चाहिए। जब ये सवाल उठा है,
यदि बीजेपी को हिम्मत है तो सीबीआई से जांच कराए और बीजेपी नीतीश कुमार को लिख के दे, आप जांच कराइए इन पदाधिकारियों की। सर आप नीतीश कुमार को क्लीन चीट देते हैं इस मामले में। सर नीतीश कुमार जी को क्लीन चीट देने वाले मेरे बाप की बार बार बोला नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, तो नीतीश कुमार क्लीन है। सर मैं एक बार बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, नरेंद्र मोदी जी दूध के धूले हैं कि सिग्नेचर फूल दे दिए, बीजेपी वाले नीतीश कुमार खाली क्यों करते हैं, सिंगला का नाम क्यों नहीं लेते, मेरा ये सवाल है। मैंने नीतीश कुमार जी को कोई क्लीन चीट, मैं कोई मालिक नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम ही क्यों, सिंगला कंपनी का नाम बीजेपी के द्वारा क्यों नहीं, विक्रम सिरा क्यों दी गई, सिग्नेचर क्यों दिया गया, सिर्फ एक ही सवाल पर नीतीश कुमार 9 महीना सरकार को बनी हुई है अभी वर्तमान में महागठबंधन का, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले अपना ये जांच क्यों नहीं कराते हैं। चैलेंज तो मैं कर रहा हूं, है हिम्मत तो जांच कराओ। मैं तो कह रहा हूं कि अपने सरकार को जांच कराना चाहिए। जरूरत है इस आईएएस पदाधिकारी पर, जिस पर लगातार ये सवाल, क्यों एक ही प्रोजेक्ट में इतने दिनों से वो है, मैं कह तो रहा हूं, ये सवाल तो है मेरे लिए। मुझे एक नया सवाल आपने खड़ा कर दिया कि अधिकारी और जो सरकार में बैठे हुए लोग, उनके अलावा पत्रकार भी शामिल है, पत्रकार का नाम उजागर करने में। सर आप बेफिक्र रहिए, उसके नाम का उजागर करने में क्या परेशानी है आपको? मैं बताऊंगा आपको कौन 4 ऐसे सीनियर लोग हैं, सब बताऊंगा, आप चिंता ना करिए, आपको एक एक चीजों का पता। और भी लोग हैं इसमें, कुछ माफिया भी हैं और जोड़ी नहीं है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें है पत्रकार का नाम, पढ़ दीजिए। मैं क्या पढ़ दूं, मैं नहीं कह रहा हूं पत्रकार का नाम, दिल से मैं कह रहा हूं, इसमें लिखित है, ना भारत में लिखित है कि कितने पत्रकार इसमें इन्वॉल्व। मैं तो कह नहीं रहा हूं ना, मैं कौन होता हूं पत्रकार के बारे में, जज के बारे में बोलने का। किसी पत्रकार के लिखे आर्टिकल्स पर क्या पत्रकार को दोषी बना दीजिएगा? मैंने पत्रकार को दोषी बना दिया? मैंने सीधा कहा कि इसमें कुछ लोग में आपको मिर्ची कहा उठ रही है, पप्पू या नेता, जब मैं नेता के बारे में बोल रहा हूं, मैंने कहा कुछ लोग जो सीनियर क्रोस्पोंडेंट है, 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये बात लिखा गया। इसमें नेता है, पदाधिकारी है, माफिया है, पत्रकार है, ये सब के बारे में मैं बोल रहा हूं। उसका नाम पढ़ दीजिए ना सर। मैंने कहा कि कोई जौरी थोड़ी है, मैं जौरी थोड़ी है, मैं तो कह रहा हूं कि बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी ये सवाल रेज किया है, मैं तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 3-4 ऐसे सीनियर्स पत्रकार, ये कह रहा हूं, बहुत क्लियर है। सर एक सवाल है, आप कह रहे कि एसपी सिंगला पे भाजपा नहीं बोल रही है, तो की भाजपा के एक नहीं कई नेता ऐसे हैं जो एसपी सिंगला पे सवाल उठा रहे हैं। एक और तो नाम बता, विजय सिन्हा। सर एक बार एसपी सिंगला का नाम नहीं लिया है कि एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्टेड और बैन किया जाए? पहला बयान उसका तो सर नहीं है बयान। सिग्नेचर पुल कैसे दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट, और विक्रम सिन्हा कैसे दिया गया ब्लैक लिस्टेड के बाद, इसको एनएचआई ने कैसे अवार्ड दिया? मैंने अवार्ड नहीं दिया है, एनएचआई ने अवार्ड दिया जो बीजेपी का है। बीजेपी तो लगातार पप्पू जी ये मांग कर रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच। सर बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में कह रही है इस्तीफा, आप वो मांग रहे हैं तेजस्वी यादव से, जबकि 17 साल मंत्रालय में रहे बीजेपी, और बीजेपी के समय यह जांच उठी थी, जब पहली बार टूटा था तो उस पर बीजेपी की सरकार थी, मंत्रिमंडल में बीजेपी थे, शुभ बाजे थे बाजे चलनी बाजे, तो आप कह रहे शोर मचाए शोर। तो जिस वक्त एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, हाँ। और सरकार बदली तो उसके बाद भी उनपे उनकी कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सर मैं तो ये सवाल किया कि ये, जब ये क्वेश्चन उठा था, ये सवाल था, तो कार्रवाई करने की जरूरत थी। टेंडर जो 9,000 करोड़ का मिला है, ये तो एनडीए की सरकार में मिला, सिग्नेचर पुल तेजस्वी तो जाके नहीं दे दिए, विक्रम सिरा पुल नीतीश कुमार तो नहीं दे दिया। पिछली बार जब पुल गिरा था, मैं आईएएस की बात करता हूँ, इतने दिनों में आईएएस वहाँ क्यों थे? सर प्रत्यय अमृत जी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि एक 2-4 पदाधिकारी है जो बीजेपी के भी और सबके लाडले हैं,
हमाम में सब नंगे हैं। पिछली बार जब पुल गिरा था तो तेजस्वी यादव ने सवाल अधिकारी पर उठाया था और आज उसी अधिकारी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा 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 इसमें सीधा सवाल है कि मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप निष्पक्ष जांच के लिए कोई एक टीम बना दीजिए जो वो पदाधिकारी ना हो और उसमें जज को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। साथ बैठाए तो सवाल उठना लाजमी सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि सवाल क्यों उठाया जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों नहीं बता रही है कि अवार्ड क्यों मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने 10 लाख रुपए की घोषणा किया सबको देने की, बिहार में जितने लोग आए हैं मजदूर 1 रुपया अभी तक नहीं मिली है, 1 रुपया। मैं सब जगह जाके कल 20,000 रुपया मदद किया हूँ। 14 आदमी मुजफ्फरपुर में मरे हैं, 14 मुजफ्फरपुर में, सिर्फ मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 6। परसों 14 के घर पे मैं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी को 4-4 लाख रुपया देने की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी ने ये कपड़ा तो 10 लाख का बदल लिया, मोदी मोदी करवा लिया मौत पे भी, जाने के बाद फिर कपड़ा बदल लिए, लेकिन इतनी बड़ी झूठ, 1 रुपया किसी मजदूर को नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं बिहार के 54 मजदूर जो जिसके बारे में लिस्ट आए 54 मजदूर के लिए 10-10 लाख रुपया और बिहार सरकार से 4-4 लाख रुपया की मांग करता हूं। मोदी जी 16 ट्रेन बना के हरी झंडी कपड़ा दिखा के ये बंदे मातरम जिसपे सुरक्षा का कवच सिर्फ आप वीआईपी के लिए, आम आदमी के ट्रेन में कोई सुरक्षा नहीं, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का पीएम आम आदमी, गरीब, किसान, मिडिल क्लास, युवा और महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम में कोई पूंजीपति ही बैठेगा, मिडिल और आम आदमी नहीं बैठ सकता, उसके लिए सुरक्षा कवच बनाया गया और अन ट्रेनों के लिए नहीं। इसलिए मोदी जी की मानसिकता दर्शाती है, घोषणा के बाद 1 रुपया नहीं मिला, सब चंदा लगा के लाश लाए हैं। मेरा आरोप है कि जबरदस्ती लाश को वहां बिहार सरकार की अभी तक रखी हुई है, लाश वहां से नहीं भेजे जा रहे हैं, मात्र 24 लाश आए हैं 54 में, अन लाश को दबाया गया। धन्यवाद।